खुश आमदीद नाजरीन SMH न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज 17 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर डायमंड जुबली यानी 75 साल मुकम्मल होने के जश्न के तौर पर यौम आज़ादी के हिस्से के तौर पर याकूतपुरा हलके के तहत रैन बाज़ार इलाके में UPHC याकूतपुरा 1 सुपर बाज़ार हॉस्पिटल में खून के अतिया का काम मुनक़द किया गया था। AIMIM याकूतपुरा MLA जनाब अहमद पाशा कादरी साहब के हाथों से इस कैंप का इनेकाद अमल में आया। UPHCS के 5 डॉक्टर्स जिनमें डॉक्टर आयशा MO याकूतपुरा 2, डॉक्टर हबीबा, डॉक्टर वाजिदुद्दीन, डॉक्टर सना और डॉक्टर हफ्सा के अलावा तमाम स्टाफ ने शिरकत की। ये कैंप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में आया। इसमें 75 मेंबर का टारगेट रखा गया। गुज़िश्ता 15 दिनों से इस कैंप की तैयारी जारी थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने बताया कि इस कैंप को रखने का मकसद गरीब और मुस्तहक लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी साहब के हमरा दीगर कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास की ये खास रिपोर्ट में इसके कुछ झलकियाँ। हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SMH न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। असेंबली हल्के के बंदी डिवीजन रैन बाज़ार इलाके में आज रैन बाज़ार हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया था, जिसका अभी इफ्तिताह किया गया और इससे इलाके के लोग काफ़ी तादाद में आके खून का अतिया दे रहे हैं और काफ़ी मेहनत करके यहाँ के स्टाफ और हमारे कॉर्पोरेटर साहब काफ़ी लोगों को मोबिलाइज करके मैनेज करके यहाँ पर ला रहे हैं। टारगेट 75 आदमी का है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो। लोग शाम के 4 बजे तक आ रहे हैं, इसमें काफ़ी तादाद में लोग आके ब्लड डोनेशन कैंप पे अपना खून का अतिया देंगे। हुकूमत की तरफ से ये कैंप कायम किए गए हैं हर तरफ। आज बड़े पैमाने पर शहर में ये डोनेशन कैंप कायम करके लोगों के खून के अतिया वसूल कर रहे हैं, उसके मुस्तहक लोगों को इसका इस्तेमाल के ज़रिए शिफा पहुँचाएंगे, फ़ायदा पहुँचाएंगे जिसको ज़रूरत होती है। दरअसल नकीब मिलन बैरिस्टर सऊदी ने उसकी MP सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुद्दीन के तमाम इब्तदाई के वर्कर जो मस्जिद से भी मस्जिदों पर से भी ऐलान किए हैं, लोगों को मोबिलाइज करके तैयार करें, इंशाल्लाह आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि कैंप कामयाब रहेगा, अच्छी तादाद में लोग ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेंगे, अपने खून का अतिया जमा करेंगे। हमारे तमाम इब्तदाई के लोग इस वक्त पर मौजूद है, यहाँ डॉक्टर के स्टाफ भी है, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला SPH ऑफ दबीरपुरा ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ब्लड डोनेशन कैंप। अवर हॉनरेबल CM हैज मोटिवेटेड अस टू ऑर्गेनाइज दिस कैंप एंड अवर DMH सर ऑल्सो मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड अ लॉट। ऑल डॉक्टर्स एंड स्टाफ आर वेरी मच एंथुसियास्टिक इन कंडक्टिंग दिस ब्लड डोनेशन कैंप एंड नाउ अवर MLA सर हॉनरेबल MLA सर अहमद पाशा कादरी सर एज inaugurated this blood donation camp and also senior leader Wasim sir also inaugurated this program. DC madam also is has also come and supported us and inaugurated this camp and all medical officers Dr. Aisha, Dr. Waji, Dr. Habiba, Dr. Hafsha, everybody is actively participating and supporting us a lot. And now till now we have till now 25 members have given their names and they are donating blood and our target is 75 and our DMHO sir is also encouraged us a lot regarding this camp. We are all trying our best to success this camp. Thank you so much. Good afternoon, myself Dr. Aisha Mudassir, medical officer of Yakutpura 2. As a part of
आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन वी आर कंडक्टिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप हियर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंप रखा गया है। याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंप याकूतपुरा UPHC में कंडक्ट किया जा रहा है और ये कैंप का टारगेट हमारा 75 मेंबर्स का है। अब तक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लास्ट 15 डेज से स्टाफ, GHMC स्टाफ मैडम, DMHO सर, SPHO मैडम सब पूरे लोग मेहनत कर रही है कैंप में मोबिलाइज करने के लिए। अब तक इंशाल्लाह अच्छा सक्सेसफुल होता बोल के एक्सपेक्ट कर रहे। थैंक यू सो मच। क्या टाइम से क्या टाइम तक है? मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक। एक ही दिन का? एक ही दिन का। एंड 75 मिनट्स MLA सर थे आज, इनॉग्रेशन करे सर और कॉरपोरेटर सर भी और सर सब लोग मोबिलाइज कर रहे। सब लोगों को मॉर्निंग से बहुत सारे लोगों को भेज रहे भी कैंप में। सब लोगों के सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह ये कैंप सक्सेसफुल होगा।